Dear students, As alaykum. As you well know, that everything within QuickBooks is recorded, whether you make an invoice, create a customer, or create or look into the type of customer that you are creating. Everything is registered somewhere. Now, in QuickBooks, everything has to be registered once in one of the lists. लिस्ट क्या है क्विक बुक्स में जो भी चीज़ ड्रॉपडाउन में आपको क्विक बुक्स में नज़र आएगी वो एक लिस्ट है लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास बड़े सारे तरीके हैं लेकिन याद रहे कि क्विक बुक्स में तमाम चीज़ें आपने एक दफ़ा पॉपुलेट एक दफ़ा रजिस्टर ज़रूर करनी ताकि हम बाद में इस्तेमाल कर सकें बाद लिस्टें तो ऐसी हैं जिनमें थोड़ी सी पहले से पड़ा हुआ डेटा मौजूद है लेकिन बहुत सारी ऐसी लिस्टें हैं जो हमने खुद बनानी आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इसमें कितनी टाइप ऑफ लिस्ट है और मैं आपको यह बताऊंगा कि लिस्ट बनती कहाँ है कौन सी आपने इस्तेमाल करनी है कौन सी आपने इस्तेमाल नहीं करनी इसका दारोमदार आपके टाइप ऑफ बिजनेस पे और जो भी आपकी अकाउंटिंग प्रैक्टिस है उसके ऊपर है लेकिन आज मैं आपको क्विकली तमाम टाइप्स ऑफ लिस्ट से गो थ्रू करूँगा आइए सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड एसेट लिस्ट जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि कंपनी के तमाम फिक्स्ड एसेट्स यहां रजिस्टर होना जरूरी है फिक्स एसेट अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलू फिक्स एसेट वो तमाम एसेट्स हैं जो कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए इस्तेमाल करती है इसमें आपकी जमीन आपकी बिल्डिंग आपका वेयरहाउस आपका वर्कशॉप आपकी गाड़ियाँ आपके इक्विपमेंट, आपका एसी, आपका फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आपकी कंप्यूटर आपने अगर, अगर अपने सेल्स टीम को मोटरसाइकल्स कारें या स्टाफ को कार्स दी हुई हैं ये तमाम एसेट्स जो आपके हैं जो कि एक साल में इस्तेमाल नहीं हो जाते वो हम फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में रखते हैं और अपने पास स्टोर रखते हैं ना ये हम खरीदते हैं इसलिए कि हमने इन्हें बेच देना है इनको हम ख़रीदते हैं अपने बिज़नेस को चलाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये एसेट्स की पूरी लिस्टिंग हमारे पास होती है और उसमें यह डिटेल भी होती है कि ये जो हमारा एसेट है ये हमने कितने में ख़रीदा और कितने सालों तक के लिए वैलिड है आम तौर पर गाड़ियाँ वहीकल्स इक्वमेंट कोई पाँच साल के लिए वैलड होता है डेटा प्रोसेसिंग एकमेंट लैपटॉप आपके प्रिंटर्स वगैरह तीन साल के लिए वैलिड होते हैं आजकल बाद लोग इसे एक साल में भी इस्तेमाल करके ख़त्म कर देते हैं इसी तरह से आपके टेलीफोन हो गया आपके एसी वगैरह हो गया ये तमाम चीज़ें पाँच पाँच साल के लिए वैलिड होती हैं बिल्डिंग और लैंड आपका ताहाल जब तक आप चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं ये तमाम चीज़ें हम लोग अपने पास एक रजिस्टर में रखते हैं रीज़न इसकी क्या है रीज़न इसकी ये है कि हमें पता हो कि हमारे पास कौन कौन सा एसेट है अगर हमने वो एसेट किसी को दिया हुआ है तो किस किस को दिया हुआ है और अगर हमने ये एसेट लिया हुआ है कितने में लिया हुआ है कब तक ये वैलिड रहेगा और हमारा इसके ऊपर कितना ख़र्चा आया है जो ख़र्चा आया है वो आम तौर पे हमारे जो स्टॉक होल्डर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी तरफ से खर्चा किया गया होता है तो एसेट का हमने पूरा पूरा रजिस्टर भी बनाना होता है और इसकी पूरे हालात हमने रिकॉर्ड करके रखने होते हैं दूसरी चीज़ है जी प्राइस लेवल लिस्ट प्राइस लेवल लिस्ट क्या है प्राइस लेवल लिस्ट ये है कि इसको मैं आपको एक्सप्लेन uh, करूंगा जब हम इस टॉपिक पे आएंगे लेकिन प्राइस लेवल लिस्ट ये है कि प्राइसेस जो हम अपने कस्टमर्स को ऑफ़र कर रहे हैं वो वेरी कर सकती है फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर फ्रॉम एरिया टू एरिया फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन और फ्रॉम टाइप ऑफ कस्टमर टू टाइप ऑफ कस्टमर इसका मतलब क्या है मतलब ये है कि एक चीज़ जो आप रिटेल में सौ रुपए की बेच रहे हैं आप होल सेल में हो सकता है नब्बे रुपए की बेच रहे हैं यानी कि दस परसेंट डिस्काउंट के साथ और अगर आप किसी दूर दराज इलाके में वो बेच रहे हैं तो हो सकता है वो आप एक सौ दस रुपए की बेच रहे हैं टेन परसेंट इनक्रीज़ के साथ एक ही चीज़ की इतनी सारी वेरिएशन को एक जगह रिकॉर्ड करने को हम प्राइस लेवल लिस्ट कहते हैं इसके बाद आ गई क्लास लिस्ट क्लास लिस्ट क्या होती है अगर आपके बिज़नेस में एक से ज़्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं मिसाल के तौर पे हम सर्विसेज देते हैं वो भी हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम है हम चीज़ें बेचते हैं वो भी हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम है और हम अपने खर्चे एक्सपेंसेस और इनकम जो हमारे आमदन हो रही है उसको अलहदा अलहदा मेंटेन करके ये देखना चाहें कि हमें सर्विस से कितनी इनकम और एक्सपेंसिज़ हैं और कितना ख़र्चा और आमदन हमारी मटीरियल सेल से है तो हम इसको कहेंगे क्लास एक क्लास होगी हमारी सर्विस दूसरी क्लास होगी हमारी प्रोडक्ट्स और इस बेसिस पे हम अपनी सारी अकाउंटिंग कर सकते हैं लेकिन इस अकाउंटिंग करने के लिए हमें ये चीज़ अपने पास सिस्टम में इनेबल करना पड़ेगी और हमने रिकॉर्डिंग भी इसी तरीके से करना पड़ेगी अदर नेम लिस्ट ये एक और लिस्ट है इसमें वो तमाम लोग आम तौर पे जो ओनर्स वगैरह हैं उनके नाम आते हैं जो कि ना कस्टमर हैं ना वेंडर हैं ना किसी और लिस्ट में उनका नाम आ सकता है ये वो लोग हैं जिनको हम डायरेक्टली चेक देते हैं मिसाल के तौर पे अगर ड्राइंग उनकी हो रही सैलरी भी नहीं एम्प्लॉयज़ नहीं है हमारे ये कंपनी के ओनर्स हैं इन कंपनी ओनर्स को कभी भी ड्राइंग्स वगैरह करनी हो कोई चेक देना हो इनके घर के अखराज का हमने कुछ का काम करना हो तो इसके लिए हम इनकी लिस्ट अलहदा से मेंटेन करते हैं सेल्स लैप लिस्ट जो है आपकी सेल्स रैप rep आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है जो आपकी सेल्स में आपकी मदद कर रहा है यकीनन ये कमीशन भी लेता होगा और इसका रिकॉर्ड रखने के लिए हम इसकी एक अलहदा लिस्ट बनाते हैं कस्टमर टाइप लिस्ट कस्टमर टाइप भी हमारे बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं मिसाल ये है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं तो आप कोई कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं वो अपने ही ज़मीन खरीद के बना रहे हैं यानी डेवलपर बना रहा है या आप किसी क्लाइंट के या कस्टमर के लिए बना रहे हैं एक काम आप कमर्शियल बेसिस पे कर रहे हैं एक काम आप रेजिडेंशियल क्लाइंट के लिए कर रहे हैं हम ये देखना चाहेंगे कि हमने अपना अगर ख़र्चा करके कमर्शियल बेसिस पर काम किया तो उसका कितना खर्चा आया और अगर हमने किसी कस्टमर के लिए किया तो उसके ऊपर कितना खर्चा आया और क्या आमदन हुई तो हम अगर इसको अलहदा रखना चाहें दोनों टाइप ऑफ कस्टमर्स को तो हम कस्टमर टाइप लिस्ट में इसी तरह वेंडर लिस्ट वेंडर लिस्ट में हम क्या करते हैं वेंडर लिस्ट में हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा किस टाइप का वेंडर है इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं क्या ये हमारा सप्लायर क्या ये हमारा सर्विस प्रोवाइडर सप्लायर कोई मटेरियल बेचता है हमें सर्विस प्रोवाइडर कोई सर्विस देता है हमें इसमें क्या हो सकता है इसमें यह भी हो सकता है कि लोकेशन वाइज भी हम वेंडर को अलग-अलग अलाद इस लिस्ट में डाल दें ये हमारे एक सूबे के वेंडर्स हैं ये हमारे दूसरे सूबे के वेंडर्स हैं इस तरीके से आप किसी भी चीज़ की टाइप को डिफाइन कर सकते हैं इन अ वेंडर जॉब टाइप लिस्ट इसमें भी आपने ये देखना है कि ये जो जॉब हम काम कर रहे हैं ये किस टाइप का जॉब कर रहे हैं जॉब तो हम कर रहे हैं अपने कस्टमर के लिए लेकिन ये जॉब कमर्शियल नोयत का है या रेजिडेंशियल प्राइवेट नौीयत का है दोनों टाइप्स की एक्सपेंसेस और इनकम स्ट्रीम फ़र्क होती है रीज़न बीइंग कमर्शियल पे आप कमर्शियल रेट पे काम करते हैं और प्राइवेट में आप प्राइवेट रेट्स के ऊपर काम करते हैं और दोनों रेट्स फ़र्क होते हैं अगर आप होलसेल में कोई चीज़ बेच रहे हैं तो उसका रेट फ़र्क है अगर आप रिटेल में कोई चीज़ वही चीज़ बेच रहे हैं तो उसका रेट फ़र्क है तो हम जॉब टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये जॉब किस किस्म का है क्या ये हम कमर्शियल कर रहे हैं क्या ये गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं क्या ये हम किसी प्राइवेट अदारे के लिए कर रहे हैं टर्म्स लिस्ट टर्म्स में आपको पता होगा कि हम पेमेंट टर्म्स डिफ़ाइन करते हैं और आपने देखा होगा कि जब भी हमने इन्वाइस बनाई तो हमारे पास उसके टर्म्स एंड कंडीशन सामने आ जाती है ये टर्म्स एंड कंडीशन बेसिकली हमने डिफ़ाइन करनी है सिस्टम ने उसको फॉलो करना है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन इस लिस्ट में हम डालेंगे रजिस्टर करेंगे वही हमें नज़र आएगी इसके अलावा कस्टमर को बहुत सारे मैसेजेस आप दे सकते हैं सबसे आसान इसकी जो मिसाल है वो ये है कि आपके स्मार्टफोन में या किसी भी फ़ोन में बहुत सारे मैसेजेस पहले से बने हुए होते हैं अगर आपने किसी बंदे की कॉल काटी तो आपको फ़ोन ये प्रॉम्प्ट करता है ये उसको आप एसएमएस कर दें कि आई कॉल यू बैक लेटर या और भी बहुत सारी इसमें मिसालें हो सकती है इसी तरह कस्टमर को जो आप मैसेज भेजना चाहें थैंक यू फॉर योर बिजनेस या वेटिंग फॉर योर पेमेंट ये सारे मैसेजेस एक दफ़ा फीड कर लें ज़रूरी नहीं कि आप इन्हीं में से चूज करें आप जब चाहें नया बना सकते हैं पेमेंट मेथड लिस्ट इसमें हमें यह बताना होता है कि हमने पेमेंट मेथड हमारा क्या है चेक ऑनलाइन पेमेंट कैश ये चंद वो तरीक़ेक है जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं पे ऑर्डर बहुत सारी तरीक़ेकार हैं जो हमने एक लिस्ट में डाल देने ताकि जब भी हम पेमेंट मेथड की हमारे ज़रूरत पड़े हम उस लिस्ट में से चूज़ कर लें बार बार मैं आपको बता रहा हूँ हम जब चाहे इसमें कोई नया तरीका ऐड कर सकते हैं शिपिंग वाया लिस्ट इसमें क्या है कि क्या हम जो ये मटेरियल भेज रहे हैं वो किस तरीके से भेज रहे हैं क्या बाय रोड जा रहा है या बाय सी जा रहा है बाय रेल जा रहा है बाय कोरियर जा रहा है और अगर बाय कोरियर जा रहा है तो किस कोरियर के थ्रू हम ये शिपिंग कर रहे हैं ये तमाम इंफॉर्मेशन हम यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं लिस्ट आपकी ड्रॉप डाउन बॉक्स में आ जाएगी और हम उसके साथ ही इसका काम कर लेंगे इसके साथ ही जितनी भी आपकी व्हीकल्स हैं जितनी भी गाड़ियाँ काम की या आपने अपने इम्प्लॉज़ को दी हुई है उसकी तमाम लिस्ट यहाँ मेंटेन होती है क्यों क्योंकि हम रिकॉर्ड रख सकते हैं कि गाड़ी कितनी चली कितना पेट्रोल उसका कंजम्पशन हो रही है और सबसे अहम कि इसकी मेंटेनेंस में कितना ख़र्चा हो रहा है कि ये बार बार ख़राब हो रही है या सिर्फ और सिर्फ इसका तेल पानी चेंज करने से ये काम करती रहती है गाड़ी की पूरी हिस्ट्री मेंटेन करना हमारे क्विक बुक्स का काम है और इसके लिए हमें सबसे पहले अपनी गाड़ियां वहीकल्स रजिस्टर करनी होती हैं और क्योंकि आपको पता ही है कि रजिस्ट्रेशन का मतलब है किसी लिस्ट में रजिस्ट्रेशन लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेमोराइज ट्रांजेक्शन लिस्ट जब भी आपने कोई रिपोर्ट कोई ट्रांजेक्शन सेव करनी है तो आपने अपना नाम देना है उसको कोई भी कस्टमाइज आपने रिपोर्ट बनाएंगे वो इस ट्रांजेक्शन लिस्ट में सेव हो जाएगी और अप्रोप्रिएट जगह नजर आएगी ये कस्टम डिफाइंड यूजर डिफाइंड लिस्ट है जिसे आप ख़ुद बढ़ाते चले जाएंगे, एज़ यू प्रोग्रेस इन क्विक बुक्स तो ये बेसिकली लिस्ट थी जो कि हमारे पास तमाम की तमाम सिस्टम के अंदर मौजूद हैं और ये जैसे मैंने आपको बताया कि मेन्यू में लिस्ट आइटम को जब आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन में ये तमाम लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी जिसको चाहें एक्टिवेट करके आप पॉपुलेट कर सकते हैं Registration of all these items is necessary, but only if your business requires it. Thank you.